चैनल एंकर एकेडमी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं लेके आया हूँ। वो इन्फॉर्मेशन चालू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। जो आज का मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, आज का कौन सा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारा कि ऑल इन वन फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाए, मतलब सब चीजों के लिए चलेगा, ऐसा खाद जो है वो खाद कैसे बनाया जाए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, सारे गुण है ये एक ही आपको फर्टिलाइजर में मिल जाएंगे। तो वो फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाए, कौन से जो है कौन से स्टेप्स रहते हैं जिनसे हम बना सकते हैं, कौन से घटक उसमें रहते हैं, मैं आपको आज बता देने वाला हूँ। सो आपको ये वीडियो जो है वीडियो पूरा देखना है, तब जाकर आपको सारी बातें समझ में आएगी। सो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू मेक ऑल इन वन फर्टिलाइजर। सो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। आप घर में ही बना सकते हैं अपना जो है ऑल इन वन फर्टिलाइजर। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, सारे गुण उसमें रहेंगे। इंसेक्ट को किल करेगा, पेस्ट को किल करेगा, सब कुछ किल कर देगा, डिसीज आपके डिसीज कंट्रोल कर देगा, डिसीज को मतलब खत्म कर देगा। ये जो मैं फर्टिलाइजर आपको बता देने वाला हूँ, बेटर ग्रोथ रहेगी आपके प्लांट्स की, बेटर आपके फ्लावर्स आएंगे, बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे, बहुत अच्छे फ्रूट्स आएंगे अगर आप अप्लाई करेंगे ये फर्टिलाइजर। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में लेना है 5 लीटर वाटर लेना है, 5 लीटर आपको पानी लेना है। एक बकेट में आपको 5 लीटर पानी ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 100 ग्राम जो है आपको कर्ड मतलब दही, 100 ग्राम दही लेना है, 100 ग्राम दही लेना है। दही आपको उस पानी में 5 लीटर पानी में डाल देना है, उसको अच्छे से स्टीयर कर लेना है। क्या डाला हमने, 5 लीटर वाटर में डाला 100 ग्राम कर्ड यानी कि दही। देन आपको क्या करना है, देन नेक्स्ट स्टेप में आपको 200 ग्राम मोलेस डालना है। मोलेस मतलब क्या, वो जो शुगर का जो एक्सट्रैक्ट रहता है उसको बॉइल करके जो हमारा मिक्सचर बनता है वो एक मोलेस, मतलब जिसे हम गुल भी डाल सकते हैं, या फिर वैसे वो प्रोसेस न करके आप गुल का भी यूज कर सकते हैं, गुल का यूज कर सकते हैं। वो गुल आपको लेना है 200 ग्राम गुल लेना है, उसको आपको उस मिक्सचर में डाल देना है, 5 लीटर के मिक्सचर में उसे डाल देना है, उसको अच्छी तरीके से स्टीयर कर देना है। ये तीन एलिमेंट हो गए हमारे। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, 100 ग्राम बॉइल्ड राइस लेना है, मतलब बॉइल्ड हुआ जो है राइस रहता है वो राइस लेना है आपको 100 ग्राम। उसे उस 5 लीटर मिक्सचर में डाल देना है, उसको भी अच्छी तरीके से स्टीयर करते रहना है। देन लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, 50 ग्राम ईस्ट पाउडर लेनी है, 50 ग्राम ईस्ट पाउडर लेनी है। वो 50 ग्राम ईस्ट पाउडर उस 5 लीटर मिक्सचर में डाल देनी है। ये जो ईस्ट पाउडर है वो आपको इजीली बेकरी शॉप वगैरह रहते हैं वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, जनरल शॉप रहते हैं वहां पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। 50 ग्राम आपको ईस्ट पाउडर लेनी है, वो ईस्ट पाउडर उसमें डाल देनी है उस मिक्सचर में एंड उसको स्टीयर कर देना है। सो ये जो हमारा मिक्सचर बनेगा, उसे अच्छी तरीके से हमें स्टीयर कर देना है, स्टीयर करते रहना है और उसको 7 डेज के लिए आपको रख देना है, मतलब 7 दिनों के लिए आपको उसको बाजू में रख देना है उस मिक्सचर को, सारे वो हमने जो लिक्विड मिक्सचर बनाया है उस मिक्सचर को हमें 7 दिनों के लिए बाजू में रख देना है। इस पाउडर का काम क्या है, इस पाउडर जो है वो आपका फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेशन लेके आएगी, फर्मेंटेशन प्रोसेस उससे अच्छी होगी। इस पाउडर से 7 दिनों में आपकी वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इन 7 दिनों में आपको हर रोज उसे स्टीयर करते रहना होगा, सुबह उसे हर रोज स्टीयर करते रहना होगा। देन 7 दिनों के बाद आप जो लिक्विड देखेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रहेगा, बहुत अच्छा लिक्विड रहेगा, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर रहेगा।
सात दिनों के बाद आपका ऑल इन वन फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वो फर्टिलाइजर जो है वो स्प्रे बॉटल में भर देना है। हमारे पौधों के ऊपर कर देना है, उसका स्प्रे हमें कर देना है। इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं रहेंगे, आप हेल्दी प्लांट्स पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, इन्फेक्टेड जो इन्फेक्टेड रहते अफेक्टेड जो प्लांट रहते उन पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपको इसका स्प्रे कर देना है और कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट देखना है। आपके जो डिसीज रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो इंसेक्ट रहेंगे वो इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे, पेस्ट खत्म हो जाएंगे और आपका पौधा जो है हेल्दी पौधा हो जाएगा, आपका गार्डन हरा भरा हो जाएगा, आपका गार्डन खिल जाएगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई वो आया आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए और जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। आपके सारे डिफिकल्टी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, सॉल्व कर दिए जाएंगे और आपके जो भी आपके नए टॉपिक है उस टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए यही रुकते हैं, मिलेंगे एक नए पार्ट में नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये रुकते हैं, थैंक यू।